चंदौली जनपद के ब्लॉक अलीनगर अंतर्गत ग्राम सभा चंद्रखा में ग्रामीण द्वारा ग्राम प्रधान का फूंका पुतला। पूरा मामला चंदौली जनपद के ब्लॉक अलीनगर ग्राम सभा चंद्रखा ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया कि बीच मार्ग सड़क पर पानी लग रहा है। कई बार हम लोग शिकायत किए गए पर ग्राम प्रधान अपने पावर और ताकत दिखाते हुए ग्रामीणों की बात ना सुन अपनी मनमानी करता है। हद तो तब हो जाती है जब बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग से कभी लोगों का आना जाना लगा रहता है, जबकि भारत सरकार द्वारा रोड नाली के लिए करोड़ों रुपए केंद्र सरकार व राज्य सरकार कर रही है, कि जबकि केंद्र मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का सदर क्षेत्र में यह नजारा देखने को मिल रहा है, वहीं ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान का पुतला फूंकते नजर आए हैं। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। मेरा नाम रमाशंकर यादव है, मैं चंद्रखा का रहने वाला हूँ। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यह है कि जो है कि हम लोग के गांव का रोड तो बिल्कुल एकदम बेकार है। रास्ते पे ठेवना भर पानी लग जा रहा है और जो है कि आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आदमी जो है कि एकदम उसमें से एकदम बच्चे सब गिर जा रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद जब स्कूल खुलेगा तो बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल, और जो है कि उनको बड़ी समस्या होगी। इसलिए प्रधान से कहा जा रहा है, वो सुनने को एकदम बिल्कुल तैयार है नहीं। पूरे 5 साल में आपके प्रधान ने कुछ गांव में विकास किया? हाँ, हल्का फुल्का हुआ है, वही हरजन बस्ती में कुछ हुआ है और यादव बस्ती और मुस्लिम बस्ती में तो बिल्कुल एकदम एक भी कार्य नहीं हुआ है। आपके प्रधान जी क्या नाम है? प्रधान जी का नाम जो है कि विनोद मिश्रा है। अपना नाम और परिचय बताइए। नाम लक्ष्मण यादव। ग्राम चंद्रखा। क्या परेशानी है? परेशानी हमको ये है कि 5 साल बीत गया, 5 साल बीतने वाला है और हम लोग की तरफ एक थे भी ईटा कवर करो नहीं, उसको ऊंचा कराया एक बार भी नहीं, और खला ऊंचा है, पानी लग रहा है, बोलने पर राखी ले आकर गिरा दे रहा है, हम लोग का आग फूट जा रही है। अपने द्वार पर ले आकर राबिश गिरा रहा है, चुनार से राबिश गिरा कर ईटा भी छवा रहा है खरंजा, और उसके बाद डाला अपने द्वार से लगवा कर इधर लिया कर छोड़ दिया आधा दिए। इधर जो पानी लगा है इसमें, इधर से बच्चे स्कूल जाते हैं, इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, दोनों तरफ स्कूल है, इधर भी स्कूल है, तीनों तरफ है स्कूल है, और बच्चे हम लोग के दाढ़ा धरकर पानी में इतना मोजा जूता ऊपर कर जाते हैं स्कूल, और ये लगभग चल रहा है 5 साल से क्रिया चल रही है। 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं बार बार बनवा दीजिए, कम से कम मट्टी बिकवा दीजिए, कम से कम बच्चे स्कूल जाएँ, वो भी नहीं कर रहा है, राखी गिरवा रहा है। बताइए राखी से क्या होगा? राखी का से बच्चे का आँख फूट जा रहा है, गर्मी में उधर आ रहा है राखी में। विनोद मिश्रा, ग्राम प्रधान चंद्रखा। यहाँ लोग गांव में आपके क्या पुतला फूके हैं जी? जूता चप्पल माला पहना के आपका यहाँ वो किए हैं, लोग प्रदर्शन किए हैं, ग्रामीण काफ़ी इकट्ठे थे, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग कह रहे हैं कि ना आपने नाली बनवाया, ना पानी की निकासी है, ना कुछ है, आप इस संबंध में क्या कहेंगे? आप चल के सर सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारा जो काम हुआ है। हमने जो है दो दो सीसी रोड, तीन तीन सीसी रोड डलवाया है, सीवर करीब लगभग जो है 1700-1800 पाइप सीवर लगवाए हैं, विद्यालय उद्यालय में टाइल्स वाइस लगा है, इंटरलॉकिंग लगा है, करीब 206 शौचालय बनवाए हैं, 8 आवास बना है गाँव में। हमारे कार्यकाल में इतना काम हुआ है। अब लोग कहते हैं काम नहीं हुआ, तो भाई लोग जो है इस समय ला करके जो है लास्ट पोजीशन पर नाली उली पाट दिए। नाली कौन पाटा है? नाली पाटने में ये जो है कमला यादव, मुरारी यादव और हाफिज है, तो महमूद हाफिज, इन्हीं के द्वारा जो है नाली जो है पाट दिया गया। तो आपने उस नाली खुदवाने का प्रयास नहीं किया? नाली खुदवाने के लिए प्रयास किया मैंने, किया था, जब उस पर हम जो है विरोध किए जो है, तो लोग घर बनवा रहे थे नाली को सटा करके, तो जब हम मैं विरोध किया तो वहाँ जो है मैं बोला कि 5 फुट जो नाली हमारी छूटी है, नाली छोड़ दीजिए लोग, तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर के बोले नहीं 3 फुट में चला जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो वो लोग खड़ा होकर के उस मुस्लिम का मकान बनवा दिए। एक आवाज़ और आई वहाँ से कि आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में लाते हैं? जी जी, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी भी बात हमको वहाँ सुनने मिला है? कोई बात नहीं, अगर एक तो भी हम पेपर ऊपर कहीं डालो हैं हिंदू मुस्लिम के राइट में, थोड़ा सा बस एक तो है जो है असलम,
असलम पुत्र जो है ना मुल्ला है, अब यहाँ में तालिबों के भी प्रसाद सुने होंगे, विष्णु गुप्ता जो है उनके उन्हीं का हाथ था और ये लोग अब हमारे पीछे लगे हैं, तालिबों को फंसा दिए अब उनको भी बजाएंगे, यही रोज रोज धमकी चमकी गांव घर में दे रहा है। आज देखिए आपके सामने पुतला फूका गया। ऐसे में माननीय प्रधान जी तरफ से नरेगा में अच्छा खासा पैसा आया था गांव में कार्य कराने के लिए, आपने कार्य कराया कि नहीं? जी जरूर कराया, 4 लाख रुपए का काम हुआ है, 4 लाख पेमेंट हमारे जो है लेबर के खाते में हुआ है। अच्छा, दो चक्रोड फेंकवाए, एक तो नाला फेंको, नाली खनवाए, इतना काम हुआ है 2 महीने के अंदर, रिकॉर्ड हमारे पास है। हम लुकमान अहमद, इसरार अहमद, तेजू राम, सिपाही यादव, यही लोग जो है इन्हीं लोग के चढ़ाए पर जो है करते हैं ये लोग काम।